देश के कई राज्यों में गायों और भैंसों में लंपी स्किन रोग वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अभी रोग हिमाचल में भी दस्तक दे चुका है। जिला सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा। इससे जिला में कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब वैक्सीन से इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। पशुपालन विभाग सोलन ने इस रोग से लड़ने के लिए विभिन्न टीमें सोलन शहर में गठित कर ली है और आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक मनदीप कुमार ने मीडिया को दी है। सहायक निदेशक मनदीप कुमार ने बताया कि अभी तक लंपी रोग से जिला में करीबन 4 पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन इस रोग को नियंत्रण करने के लिए जिला में 5 रैपिड वैक्सीनेशन टीमें गठित कर दी गई है। इन्हें सोलन के 5 ब्लॉक में तैनात कर दिया गया है। वहीं सोलन में इन सभी टीमों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अभी तक जिला सोलन में 830 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर मनदीप कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सोलन में पोस्टेड हूँ। और जो ये पशुओं में बीमारी लंपी स्किन डिजीज लग रही है, इसमें हमारे यहाँ धर्मपुर ब्लॉक में कुछ केसेस आए हैं जिनको कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जो बाकी पशु हैं आसपास के गांव के उनको हमने वैक्सीनेशन लगा दी है और ये कार्य चल रहा है। और जहां से भी ऐसी कोई खबर आ रही है वहां इलाज किया जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जिले में 5 रैपिड एक्शन टीम्स बनाई हैं। हर सब डिवीजन में हमने टीमें बनाई हैं और एक जिला स्तर पर टीम बनाई है, जो कि वो कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है, जिसमें कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और हर जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उसमें हमने 5 टीमें बनाई हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने वैक्सीनेशन जो है, जो धर्मपुर एरिया में हमारे टिकरी गांव के पास जो केसेस हुए थे उसके आसपास हमने वैक्सीनेशन कर दी है, और 830 के करीब हमने वैक्सीन अभी तक कर चुके हैं। और अभी आज भी ये कार्य जारी है, जहाँ भी कहीं भी केस आ रहा है उसमें हम 4-5 किलोमीटर तक के दायरे में वैक्सीन कर रहे हैं। इसमें स्किन पे, चमड़ी पे थोड़े वो होते हैं, फिंसियाँ होती हैं, और वो काफ़ी फूल जाती हैं और जानवर को बुखार आता है और कई बार वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इसमें बुखार और जो बुखार के लक्षण आते हैं, और साथ में किसी किसी जानवर में बहुत ज़्यादा बुखार आता है और कईयों में मुंह से लारें चलती हैं। तो इसमें जो मेन जो एंटीबायोटिक और जो ट्रीटमेंट है वो की जा रही है। इसमें शुरुआत में जब ये अभी तक लोगों ने थोड़ा अनजान थे तब 4 डेथ हुई थी। अब उसके बाद पिछले 5-4 दिनों से जब से इसका इलाज किया जा रहा है तो अभी तक कोई डेथ नहीं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।